जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2015 का एच टेट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखेंगे प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि हम जो CDP है इसके 30 क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ जो लैंग्वेज आपकी हिंदी दे रखी है उसे भी करेंगे, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। फिर बाकी जो आपकी सब्जेक्ट है SST उसके 60 क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार सभी के क्वेश्चन पेपर देखते चलेंगे जो भी पेपर में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। ये कह रहा है 16 वर्षीय नीरज अपने आप में प्रत्यक्ष स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो विकसित कर रहा है, तो ओवरऑल देखें जब भी अपने से संबंधित बात होती है तो हम तो जैसे ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बोलते हैं एक सर थे, इसका शब्द दिया जाता है, यानी इंग्लिश में ऑटोनॉमी, हिंदी में स्वायत्तता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों के झूठ बोलने की आदत को कैसे हम सुधार सकते हैं। तो देखो दंड तो देंगे नहीं, नेगेटिव है, और झूठ के कुप्रभाव को भाषण भी नहीं देंगे। देखो 3 नंबर ऑप्शन और 4, इन दोनों में से एक हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कि जो भी सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषित देगा, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ना कि बच्चों का उदाहरण देंगे, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता चाहता तब हम ऑप्शन नंबर 3 पर जा सकते थे, जबकि 4 नंबर दे रखा है तो हम 4 पर ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है। तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी किशोर अवस्था से संबंधित, ये स्टेटमेंट है सीधा, तो ये किशोर अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 4 नंबर, जो आपकी रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, यानी जो क्रिएटिव आंसर के लिए रिक्वायर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जब भी आप क्रिएटिविटी की बात करें तो आप तो मुक्त उत्तरी प्रश्न यानी जिन्हें ओपन एंडेड प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछना सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी ये वाला है ना सीमित उत्तर वाले प्रश्न, इसके लिए तो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन, ये उसके लिए टर्म यूज की जाती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तो 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से बताइए कौन सा बालक है, कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो वो चाहे हेरिडिटी हो, चाहे वातावरण हो, चाहे सामाजिक हो, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक के कौन से नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड, यानी जो आपकी अवार्ड और पनिशमेंट है वो किस नियम को यानी किस नियम से संबंधित है। थॉर्नडाइक के ये दे रखे ना 1, 2, 3, ये आपको जाना होगा, ये मुख्य नियम है, मुख्य नियम कह दो, या इंग्लिश में इन्हें मेन नियम बोल सकते हैं या प्राइमरी नियम भी बोल सकते हैं, नहीं तो ये 3 थे PTA के नाम से, यानी PTA मतलब प्रभाव, ये दे रखा है, और तत्परता T से हो जाएगा, A से अभ्यास। तो देखो तत्परता तो आपका रुचि अरुचि का नियम चलता है, यानी इसमें मुख्य तो नियम आपका यही है तत्परता, समझ रहे हो ना, इसके उपनियम हो जाते हैं रुचि अरुचि। लॉ ऑफ इफेक्ट में आपकी संतुष्टि आ जाती है और असंतुष्टि आ जाती है, ठीक है। बाकी अभ्यास में आ जाती है आपकी उपयोग और अनुपयोग का नियम, ठीक है। तो फिर हमें पुरस्कार एवं दंड किससे संबंधित है, फिर वो लॉ ऑफ इफेक्ट में ही संबंधित होती है, नहीं होती है ना संतुष्टि असंतुष्टि, इसे ही बोलते हैं पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। और इसी प्रभाव के नियम के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इस बात को, यानी इसका महत्व है ना वो आपके लॉ ऑफ इफेक्ट में ही होता है, इसका पुरस्कार एवं दंड का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके 5 अन्य जो गॉड नियम होते हैं जिन्हें सेकेंडरी भी बोलते हैं, जिनकी ट्रिक मैंने कई बार बताई है, BAMCA, ठीक है, और इनकी थी PTA। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से बताइए का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है, किसका ये बताना है, यानी इन सभी में से। तो देखो अभिरुचियों का होगा, तर्क शक्ति का होगा, प्रेक्षण का होगा, लेकिन आपकी अहम केंद्रता का नहीं होगा। अहम केंद्रता का तो विकास 2 से 7 वर्ष कह सकते हैं उम्र होती है, और ये आपकी जीन प्याजे की 2nd नंबर की स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, ये उसकी एक विशेषता होती है। तो इसमें बच्चे हैं दूसरों के नज़रिए और दृष्टि को इग्नोर करते हैं एक तरह से, ये ऐसे बोल सकते हैं वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी जो कुछ भी कह रहे हैं आप वो उसे इग्नोर करता है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपकी जीन प्याजे की 2nd नंबर की अवस्था आती है प्री ऑपरेशनल, उसकी एक विशेषता है, ठीक है। उसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष के मध्य के, तो ये उससे संबंधित है, ना कि किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 9 है, समस्या तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा, क्या रहेगा कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि बालक के जो वातावरण है ना और उसके दृष्टिकोण यानी देखने का तरीका है या नज़रिया है या परसेप्शन है, उसमें परिवर्तन लाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा, ठीक है। बाकी उसे दंड नहीं देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना, ये भी नेगेटिव है, और उसको कक्षा में आगे की भक्ति बिठा देंगे। तो ये उन बालकों के लिए होता है जिनमें डिसेबिलिटी पाई जाती है,
जो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठाना सही है, न कि आपकी समस्यात्मक बालकों को, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें बताइए कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। तो देखो, धीमी गति से सीखने वाले हों तो वो भी प्रकार माने जाएंगे, सृजनशील बालक हों वो भी माने जाएंगे, और शारीरिक रूप से विकलांग हो वो भी माने जाएंगे, लेकिन साधन संपन्न होते हैं तो उन्हें नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें तो उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले ये भी अनुचित हो, जो गलत है फिर उसे भी आप सुरक्षा दे रहे तो गलत, उसको अधिक काम दें ताकि उसके क्रोध को जो भी कर रहा है वो उसे समय ही ना मिले उसके लिए, तो ये भी गलत है। यह सुनिश्चित करने का अच्छा कहते हैं उसके अति पक्षपातपूर्ण तो कर ही नहीं सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने का मतलब सुधारने में मदद नहीं करेगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से। तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये स्मृति को सुधारने का मदद नहीं करेगा, कौन सा, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। बाकी दोहराने अभ्यास से हो जाएगा, ताल और लय की सहायता से भी ओला मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, विशेष सामग्री को उचित समूह व्यवस्थित करना ये हो सकता है, यानी ये तो तीनों हो सकते हैं। जो नहीं होगा मदद करेगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्यतः लड़की लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रेषित की जाती हैं। तो आपको इनमें विशेषताएँ दे रखी हैं लड़के लड़कियों के बारे में, और वो भी फिजिकली विकास से संबंधित, तो आप बताइए इनमें से कौन सा प्रेषित होगा, यानी सही ऑप्शन चूज करना है। हम कहेंगे लड़कियाँ शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है किससे, लड़कों से, तो ऑप्शन नंबर 2-3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, हम कहेंगे पाठ्यक्रम को दोहराना, ये वाला ऑप्शन विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी सभी होंगे सहसैच्छिक गतिविधियों का प्रावधान, यानी जो फिजिकली जो एक्टिविटी कराएँ तो वो सही होती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना ये भी सही है, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इनमें बताना कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या नहीं है। आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पे कि विषय वस्तु को समझने की समस्या, ये शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या नहीं है, सॉरी समस्या है, यही तो पूछा था ना, यानी यही पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी है शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता ये तो नेगेटिव है, परीक्षा में नकल करना ये भी नेगेटिव है, कक्षा में देरी से पहुँचना ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉइंट था वो एक ही था जो संबंधित है शिक्षण अधिगम से संबंधित। नेक्स्ट है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलना सीखता है, उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा है, इसे हम इंटीग्रेशन थ्योरी बोलते हैं, यानी एकीकरण का सिद्धांत, यानी पहले बालक है पूरे हाथ से कोई चीज़ पकड़ता है फिर उंगलियों से, यानी वो ये है कि उसमें जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, डेवलपमेंट होता है, तो निश्चित तौर से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना, किस प्रकार का ये निरीक्षण होगा। तो देखो, खेल के मैदान में कर रहा है तो खेल के मैदान में तो हम इसे अनौपचारिक कहेंगे, औपचारिक होता तो क्लास होती है, क्लास में जो पढ़ाई की जाती है वो होती है, जबकि खेलने से संबंधित है वो प्रक्रिया है या फिजिकली जो भी एक्टिविटी होती है वो फिर आपकी सहसैच्छिक या अनौपचारिक हो जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका रोल अधिक है वो चीज़ बताइए इसमें से। तो देखो, इसमें से एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है, 3 नंबर के सीखना तथा परिपक्वता दोनों, ये ज़्यादा महत्व रखेंगे, इसे ही बोलते हैं हम अधिगम। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता था हमारे मानसिक वृद्धि और विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो वो सीखना और परिपक्वता दोनों ही ये फलस्वरूप प्रोसेस होती हैं, तो इसे ही हम अधिगम बोल देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी पूछी जाती है लेकिन हमें पॉइंट बताना था, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। आप अगर इन सभी ऑप्शनों में देखेंगे तो वो मित्र मंडली है ना, ये आपके किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं होगा। तो व्यक्तिगत कारक क्या होगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, संवेग हो जाएंगे, बुद्धि हो जाएगी, ये व्यक्तिगत कारक में आएंगे, ठीक है, और नहीं आएगा वो आएगा 1 नंबर ऑप्शन। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वो कौन सी अवस्था में डालता है, ये पर्टिकुलर अवस्थाओं के नाम दे रखे हैं, तो वो डालेगा आपकी उत्तर किशोर अवस्था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा।
पार्टियों का कोई है, एक तरह से समूह का दबाव। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो किसको प्रभावित करेंगी सर्वाधिक, तो ये बताना है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया इसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 21 नंबर, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, तो जो हमारी मेंटली डेवलपमेंट से संबंधित विशेषता नहीं है वो चूज करना है, तो वो हो जाएगी सहयोगात्मक अभिवृत्ति। ये हमारे जो मेंटली यानी मानसिक विकास है उससे संबंधित नहीं है, मानसिक विकास से संबंधित हो जाए जैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति, प्रचुर मात्रा रटकर याद करने की प्रवृत्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, तो ये संबंधित हैं, जो नहीं होगी वो हो जाएगी 4 नंबर। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वो क्या है, वो किसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे व्यवहार, यानी व्यवहार का मतलब जो व्यवहार में परिवर्तन है एक तरह से, ये अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वो क्या कहेगा, उसे हम सब देंगे व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है 23 नंबर, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा, हम कहेंगे आत्मचेतना कम होना ये किशोरावस्था के संदर्भ में सही नहीं है, बाकी सभी सही थे, जैसे कई नवीन आंतरिक उपाय परिवर्तन दिखाई देते किशोरावस्था में, ये बात सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी बात सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी बात सही है। जो गलत थी वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है मनोविज्ञान प्रारंभ किस अंग से माना जाता है, यानी इसकी शुरुआत किससे हुई है, तो वो दर्शन शास्त्र हुई है यानी फिलोसॉफी से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 25 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही रही है, यानी जो गलत है वो चूज करना है हमें। ये कह रहा है सृजनशील किसी भी कला में मौलिकता होती है, हमें गलत बताना था ना, ठीक है, ये बात तो सही है। सृजनशील के लिए चिंता आवश्यक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट गलत है, क्योंकि आप जब भी क्रिएटिविटी की बात करें तो उसमें चिंतन तो होगा ही, यही सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी सृजनशील को पूरा किए गए काम को परिणाम देते हैं, तो ये बात सही है। बाकी सृजनशील में समाज और या किसी भी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, तो ये भी बात सही है, जो गलत थी वो हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 बाय है, इसमें पूछा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, हम ये कहेंगे कि उसे अपने विद्यार्थियों की जो भी समस्या है उसे हल करने का पर्याप्त ज्ञान का होना जरूरी है, यानी जिस भी सब्जेक्ट से वो टीचर हैं तो उसे उसकी मास्टरी होनी चाहिए, यानी उसे सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि कौन सी है, अगर आप देखें तो वो सभी हो जाएगी, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे आपका इंटेलिजेंट टेस्ट हो, ठीक है, या आपके व्यक्तित्व यानी जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं वो, तो ये सभी महत्व रखेंगे, तो आप सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है, यानी जो गलत है वो बताना है। आप ऑप्शन नंबर 4 पर जाइए, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप को सीमित करता है, बाहरी रूप मीन्स ये वातावरण हो रहा है, जबकि हम जानते हैं व्यक्तित्व में वातावरण हो साथ ही साथ आपकी आनुवंशिकी जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, ये दोनों ही महत्व रखती हैं, एक पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले सकते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। बाकी व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होते हैं, ये बात सही है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम या जिसे ये आप हेरिडिटी बोलते हैं और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये बात सही है, यही स्टेटमेंट है 4 नंबर में पूछा है, लेकिन इसमें जो बाहरी रूप का मतलब वातावरण होता है वो आंतरिक रूप का मतलब आनुवंशिक होता है, तो इसमें ये वाला केवल लगा के गलत कर दिया उसने, ठीक है, यानी उसने केवल वातावरण की बात की है, आनुवंशिकी की नहीं की है। बाकी 3 नंबर है व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, ये बात सही है, ये तीनों तो सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के विकास को या विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध होता है, आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो हमारा बौद्धिक विकास है वो हमारे सृजनात्मकता से भी संबंधित होता है, हमारी एकाग्रता से विकास से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे उदाहरण देकर गलती बताएंगे उसे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सभी ग्रामर संबंधी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 61 पूछा है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है इनमें से कौन सा होगा, तो वो एकमात्र ऑप्शन जागृति सही लिखा है, बाकी पूजनी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पूजनी तो इस प्रकार कुछ लिखा जाएगा।
ठीक है, तो ये भी गलत है, अंतर ध्यान भी गलत है और अभ्यारण्य भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो हम ये कहेंगे अकिंचन बोलेंगे उसे, यानी जिसके पास कुछ ना हो। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, यानी जिन वाक्यों में लगते हैं क्रिया विशेषण, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में यूज करें हम राम स्कूल धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो इसका मतलब यही हो गया ना, अरे एक सेकंड, इसका मतलब यही तो हो गया, ये तो कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, क्रिया हो गई, और जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे ही बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है, तो ये धीरे धीरे है वो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्दय का विलोम क्या होगा, तो निर्दय का विलोम होगा वो हो जाएगा सदय, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 नंबर, इसमें पूछा है अनस्वर शब्द के लिए वाक्य, एक वाक्य कौन सा होगा, यानी अनस्वर के लिए शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, अगर इन सभी ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे तो हम कहेंगे जो नष्ट न होने वाला हो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर, जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें पूछा है आपसे कि अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा, तो आप अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पर, यानी जो अच्छुट है ना इसे है आप तद्भव रूप में अखरोट बोलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है, और बाकी तत्सम में बोलेंगे अच्छुट। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकम्पित वर्ण है, अगर आप इन्हें खुद से बोल के देखेंगे ना, जैसे ल व, ये कोई भी प्रकम्पित नहीं हो रहा है, ठीक है, र बोलेंगे तो निश्चित तौर से प्रकम्पित हो रहा है, यही होती है प्रकम्पित वर्ण, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है प्रत्युत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है, तो हम देखेंगे तो इसमें सिंपल है प्रति हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रति प्लस उत्पन्न से बना है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी, ठीक है, तभी प्रत्यु बनाएगा, कैसे बनेगा, प्र और ये त आधा हो जाएगा, ई की मात्रा य में चेंज हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, उ की मात्रा य में इसलिए मिल जाएगी क्योंकि जो ई की मात्रा य में चेंज होती है तो ये हलंत होता है, तो ये हलंत है अभी, तो इसमें आके उ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार पर बाकी शब्द लिख देंगे और इसमें कोई प्रत्यय लगा है मति, तो इस प्रकार बनाए प्रत्युत्पन्न मति, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो वो उपसर्ग तो इसका मैं प्रति हो गया, इसमें जो प्रत्यय है वो मति हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगते हैं उपसर्ग आगे लगते हैं। इनमें से बताइएगा और निम्नलिखित वाक्यों में से अपादन कारक का उदाहरण कौन सा होगा, देखो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, राधा घर से निकलती है, यानी अलग होने के सेंस में हमेशा ही हम अपादन कारक का यूज करते हैं, ठीक है, अलग होने से संबंधित वो कहीं से भी हो, ठीक है, सीता है गीता से अच्छा गाती है, अच्छी के संदर्भ में कोई भी चीज अच्छी हो या अच्छी के संदर्भ में हमेशा वहाँ पर पंची व्यक्ति होती है, कोई भी चीज़ अच्छी लगती हो उसे संदर्भ में ले लेंगे। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, डर के योग में आपकी पंचमी विभक्ति होती है, यानी आप कह सकते हैं अपादन कारक हो जाएगा इसमें भी। आप एक चीज़ ध्यान रखें, आपने अगर संस्कृत के कारक पढ़ रखे हैं ना तो उसे ही फॉलो किया जाता है हिंदी में मोस्टली, जैसे अलग के संदर्भ में तो आप जानते हैं अपादन होगा, लेकिन आपको अच्छा लगना और डर ये दोनों ही पंची व्यक्ति के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत् प्लस संकर में संधि विच्छेद बनने वाला शब्द कौन सा होगा, यानी इनमें से मिलकर कौन सी संधि होगी। तो ये हालांकि ये व्यंजन संधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा, तत् प्लस संकर से बनेगा तत्संकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है 71 नंबर, स्थावर का विलोप क्या होगा, इसका जंगम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये फल उसके लिए है, वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी ये वाला उसके लिए, ये क्या है। पहली बात ये है कि देखो, अगर किसी को देने के संदर्भ में बात होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, तो वो हमेशा संप्रदान में आता है। तो एक तो इसमें दे रखा है, और एक दे रखा है इसमें। अब देखो यहाँ पर मध्यम पुरुष की तो कहीं बात नहीं हो रही, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, यानी तुम या आप, इसके संदर्भ में तो कहीं बात नहीं हो रही है, ये हो रही है। तो निश्चित तौर से ये एक अन्य पुरुष है और एक वचन है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, बाकी उत्तम है नहीं इसमें, मैंने मध्यम बता दिया इसमें है नहीं, तो फिर बाकी बचा कौन सा, एक नंबर ऑप्शन। इसमें बोला है सभ्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो इसके लिए होगा बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है, तो आप इसमें से देखेंगे जो उपासक है ना वो आपका विशेष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। अगर ये विशेष है तो फिर ये श्रेष्ठ क्या है, ये फिर एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताना है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कोई क्रिया हुई है उससे पहले एक और क्रिया हो जाती है, उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, देखो वो घूमने जाता है ना, उससे पहले दूध पी लेता है, तो ये क्रिया पहली हो रही है घूमने से, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 76 देख लेते हैं, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात है वो अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कौन से शब्द बोलेंगे, उन्हें युगरूढ़ शब्द बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे हम बोलेंगे अंतेवासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ क्या होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हम कहीं बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने पर या गवा देने का कोई भय नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। ये कह रहा है कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना कृदंत होते हैं ना वो धातु होते हैं एक तरह से, तो धातु के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जनार्दन के पर्यायवाची क्या हुए, यानी इसमें से पर्टिकुलर एक का नाम पूछा है, तो हम कहेंगे जो विष्णु है उन्हें ही बोलते हैं जनार्दन, यही पर्यायवाची हो जाएगी, इन्हें ही चक्रपाणि बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81, सबरी प्रतिदिन नाम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही वेद क्या है, यानी ये संदेहार्थक है, विधानार्थक है, प्रश्नार्थक है या अज्ञार्थक है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य है वो आठ प्रकार के हैं, तो उन्हीं में से बताना है ये कौन सा प्रकार है। ये सिंपल है, ये विधानार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अगर आप इसमें से मूल शब्द निकाल लें सावधान, और सावधान सावधान, तो इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है,
बड़ी की मात्रा लगी थी, सावधानी हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ये कह रहा है सियार का तत्सम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सरकार, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद निकल के आएगा पित्र प्लस आज्ञा, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर देखेंगे देखो सागर पूरा ही शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय है नहीं, नगर में भी नहीं है, अगर में नहीं है, तो इसमें से एक प्रत्यय लग रहा है आपको, इसमें जादू में घर लग रहा है ना, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है मुखावयों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मपद, ठीक है, जो आपके स स स ह यही होती है ऊष्मपद। ये कह रहा है षटपद का पर्यायवाची क्या होगा, तो षटपद का क्या हो सकता है, अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा, यानी जो भ्रमर भोरा होता है उसके ऊपर, यानी ये जब आप अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप और तो कूड़ा संघ पढ़ा होगा आपने, ये सबसे बड़ा संघ यही माना जाता है, तो इसमें जो कीट आते हैं, कीट जो सूक्ष्म कीट होते हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो जो कीटों में हम विशेषता पढ़ते हैं कि ये तीन जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं। तीन जोड़ी का मतलब होगा तीन इंटू दो, इसका मतलब छः, यही पूछा था षटपद का पर्यायवाची क्या होगा, वो हो जाएगा बराबर, यानी जो भोरा होता है उसके षटपद पाए जाते हैं, क्या कह सकते हैं तीन जोड़ी टांगे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ बनाया है क्वेश्चन इसी प्रकार। नेक्स्ट है एक उद्देश्य एवं एक उपदेश से मिलकर बनने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, तो जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधि हो, यानी एक कर्ता हो एक क्रिया हो, तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर दो सही होगा। दिए लता इस सामासिक पद में कौन सा समास होगा, दिए रूपी लता यानी कर्मधार समास की बात कर रहा है, जहाँ पर भी विशेष और विशेषण आ जाए तो वहाँ पर मोस्टली कर्मधार समास होता है। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा अच्छुण, ये सही है। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है ये आपके हैं एसटेट 2015 के, तो आपके एसएसटी से संबंधित यानी जो आपके सोशल स्टडी है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं हम तो देख रहे हैं, जिसमें से 91 नंबर पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जून 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपके जो मिराबियो है ना जिसे मिराबो बोलते हैं उसने किया था, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92, निम्न में से अलोह धातु है यानी सिंपल सा है जिसमें लोहा ना हो, मैगनीज में होता है, स्टील में भी होता है, इसमें कार्बन भी होती है, लोहा भी होता है, कोबाल्ट में भी होता है, लेकिन आपका शीशा है इसमें नहीं होता है, ठीक है, तो शीशे में आपका लोहा तत्व तो नहीं होता है, यानी कह सकते हैं इसे अलोह धातु बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान को कहा जाता है, यानी ये भारत है तो यहाँ पर बंगाल है इधर की साइड होने को, तो बंगाल की साइड ये मानते हैं, ठीक है, ये बंगाल है, तो बंगाल के जो ये कह रहा बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी तो इधर की साइड है, तो लगे भारत के तटीय मैदान को क्या कहते हैं, यानी इसको, तो कोरोमंडल तो इसे कहते हैं, उत्तरी सरकार का मतलब जो उड़ीसा के पास है ये क्षेत्र, तो ओवरऑल कहें तो इसे कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कहेंगे जो बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा।
बाकी बिरसा मुंडा निवासी था, तो ये पटना का था, यानी पटना मीन्स ये है कि जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार से अलग हुआ है आपका झारखंड, तो पहले बार इसी बिहार का विभाग था तो झारखंड। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बिरसा मुंडा है ना, आप झारखंड के रूप में वर्तमान में पढ़ेंगे, पहले वो बिहार से ही संबंध रखते थे, ये पटना का निवासी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ की गई थी, तो वो किस जगह से की गई थी, पर्टिकुलर स्थान पूछा है। तो ये स्टार्ट की गई थी आपके सूरत से, सूरत यानी जो आपका गुजरात है, तो गुजरात से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल है राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है, यानी ऐसी कौन सी इसमें से पार्टी है जो एक राष्ट्रीय दल कह सकते हैं नहीं, एक तरह से यानी राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो देखो बी भारतीय जनता पार्टी ये तो बीजेपी की हो जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कांग्रेस ही हो जाएगी, बाकी बहुजन समाज पार्टी सब बहुजन समाज पार्टी है जैसे BSP बोलते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी, तो ये तो राष्ट्रीय पार्टी है तीनों, लेकिन जो शिवसेना है ये तो महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे इसे मान्यता है, लेकिन जो आपके केंद्र में ये राष्ट्रीय दल नहीं मानी जाती है, यानी कह सकते हैं ये पार्टी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 97 नंबर क्वेश्चन, कि हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम निम्न में से कौन सा नहीं था। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो जर्मन स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष मानना, ये वाला आपका हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, बाकी सभी थे, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, ये कह रहा है कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून है कहलाता है क्योंकि, हम इसे कहेंगे कि मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि प्लेट विवर्तनिका या विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार है, हिमालय पर्वतों का निर्माण किस महासागर के मलबे के संकुचन से हुआ है, तो ये हुआ तेटिस सागर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 वा है, वो इस प्रकार पूछा है, वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ है, तो देखो थाईलैंड में हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, इंडोनेशिया, लेकिन ग्रीस में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा है कि 1930 ईस्वी में जो डिस्परेट क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की थी, जैसे बोलते हैं DCA, तो ये स्थापित की थी आपके वो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या B.R. अंबेडकर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन थे, तो ये आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं और साथ ही साथ उचित उत्तर दीजिएगा यानी सही कोड बताइएगा, तो ये तीनों ही थे, प्रचार यानी प्रोपोगंडा था, लोबिंग था, प्रदर्शन, यानी इसमें से ऑप्शन 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं, तो आपको सही उत्तर चयन करना है, यानी ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे दे रखे हैं कोट, तो इनमें से चाहे जल विद्युत उत्पादन हो, नहरी सिंचाई हो, बाढ़ नियंत्रण हो, जल क्रीडा विकास हो या पेयजल आपूर्ति, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वेल्लम गई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लेखित
है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे ये तात्पर्य है कि गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है? तो ये मैक्रो वन है ना, वो होती है आपके ज्वारीय वन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, तो हम कहेंगे ये संघ के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये तो हो जाता है केंद्र में, यानी जो सेंटर है उसमें, अगर स्टेट में पूछे तब फिर आपका जो मुख्यमंत्री होगा ना वो हो जाता है, यानी जो राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है वो सीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर केंद्र की बात करें, संघ के मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री। बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था तो कब हुआ था, वो हुआ मार्च 1859 में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये भी बिहार से ही संबंधित है। ये कह रहा सिरसा ने हुमायूं को परास्त किया था, कौन से युद्ध में किया था, वो चौसा का युद्ध हुआ ना 1539 ईस्वी में, तो उसमें ही परास्त किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें से सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लोगों को आध्यात्मिक विकास करना, ये आपके राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, ये कह रहा है कि हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती हैं, ये दून घाटियाँ हैं वो निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्हें सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई वो कौन थे, तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, या लॉर्ड हेस्टिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पड़ोसी देशों में कौन से देशों की भारत में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम होगी, अधिकतम तो बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश तो दो ऑप्शनों में 2 और 4 में, और न्यूनतम पूछे तो फिर वो अफगानिस्तान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिकतम पूछे तो 4096 किलोमीटर है जो आपकी बांग्लादेश से लगती है, न्यूनतम है वो अफगानिस्तान से लगती है करीबन 106 किलोमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई में 1854 ईस्वी में। भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई थी, तो ये आंकी गई थी आपके 1961 से लेकर 71 के मध्य। इतिहास में तिथियों के साथ है BCE प्रमुख यानी प्रयुक्त होता है, किस इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चौहान शासक जिन्हें मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में पराजित किया था, तो वो कौन थे, तो वो पृथ्वीराज चौहान थे, ये स्वामी सर के पुत्र थे, ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य, तब तो जीत गए, सेकंड हुआ 1192 में, इसे पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनाएगा, स्वामी सर था इसे किसकी उपाधि धारण की थी इसने, तो ये लंकेश्वर लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है कि एल नीनो क्या है एक तरह से, तो हम ये कहेंगे एल नीनो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये संबंधित हो जाएंगे जेम्स ऑगस्ट 21, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000
के लक्ष्यों के अनुसार है, कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या स्तर प्राप्त कर लेगी? तो वो 2045 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए है विशेष प्रावधान था? तो वो अनुच्छेद नंबर 370 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुद्रा स्फीति होती है, तो मुद्रा स्फीति की हम बात करें तो मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से संबंधित है, यानी जो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के किस रूप में अंकित है? ये है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है ये। कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था? तो वो 1977 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चेक जारी किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक में मांग जमा के विरुद्ध, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो वो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अधिकार को जो कानूनी अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में होते हैं लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं, तो इनमें से कौन सा होगा? वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? तो इनमें से बतानी वो कौन सी मृदा होगी, वो है आपकी काली मृदा। निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है इनमें से? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, या पेट्रोल हो गई, डीजल हो गया, या जीवाश्म ईंधन हो गई, ये सभी नवीकरणीय संसाधन नहीं माने जाएंगे या परंपरागत माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है इसमें से? तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ब्याज का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल के वर्षों में भारत में जीडीपी के विभिन्न क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है? तो जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम कम इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो तृतीय क्षेत्र से हो रही है पहले ही बात, तो फिर है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, फिर एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बजट एक वितरण है या विवरण है? तो बताइएगा, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, यानी विवरण है वो किसका है? तो हम ये कहेंगे ये आपके संभावित आय और संभावित व्यय, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है, यानी जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है उससे संबंधित? तो वो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? तो वो पंडित नेहरू हो जाएंगे। भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? तो वो 500। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एजेंडा 26 की घोषणा हुई थी, तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात कितना था? तो जनसंख्या घनत्व 382 था, लिंगानुपात हो जाएगा 943। बाकी है राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य पद मुक्त होते हैं, तो राज्यसभा की बात की जाती है तो वो प्रत्येक 2 साल में यह पद मुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो वो किया था आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935। असंबंधित को बाहर कीजिएगा, यानी इसमें से जो विषम है यानी जो
एक तरह से अलग है, वो इसमें से अलग करना है, तो वो हो जाएगी HDFC बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ क्या कहलाती हैं, उसे बोलते हैं स्थानिक, या इंग्लिश में कहें तो एंडेमिक स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल रहता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले क्या कंगारू, ये स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, तो उसे स्थानिक जाति बोल सकते हैं। भारत में वित्त आयोग है, तो ये कैसी एक संस्था है, हम कहेंगे ये एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी। ये करा निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है, क्या चीज़ नहीं करता है, तो इसमें से जो आपकी आयकर दर है ना, इसे कह सकते हैं निर्धारित नहीं करता, बाकी बैंक रेट को मतलब निर्धारित करता है, रेपो रेट और या रिवर्स रेपो रेट है, इन तीनों को निर्धारित करता है, जो कि इसे नहीं करेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग में जनसंख्या अनुमानित कितनी है, तो ये है आपकी करीबन 16 करोड़। जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वो कौन सा है, तो वो संबंधित हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, तो मत 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपके संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो चाहे निम्न सदन हो या उच्च सदन। नेक्स्ट है किसी भी यदि किसी अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका उद्यमिता का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा या कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, तो वो हो जाएगा जनता को ऋण देने वाला। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा।